हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है फिर लौटाया छलावा। छलावा दोस्तों वो होता है जो किसी भी तरीके से कोई भी होता है उसका रूप वो धारण कर लेता है और वैसे ही वो बोल भी लेता है। तो कहानी हमारी शुरू होती है विकास और अमन। विकास और अमन दो भाई होते हैं जो अभी छोटे हैं। उनके पापा जो हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके घर में मम्मी भी हैं, दादी भी हैं, दादा भी हैं। तो ऐसा होता है कि वीकेंड की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन थोड़ा सा जब शुरू होता है स्कूल में, तो वो दोनों जिद करते हैं कि पापा कहीं घुमाने के लिए ले चलो। तो पापा भी उनके कहते हैं बच्चों के कि चलो अच्छा ठीक है, बच्चे जिद कर रहे हैं। लेकिन अचानक ही दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। जब दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है तो विकास जिद करता है नहीं पापा चलिए भी, और दादाजी बोलते हैं अच्छा ठीक है बच्चों तुम लोग होके आओ, मेरी तबीयत खराब है, मैं और तुम्हारी दादी यहीं रुक जाते हैं। तो वो फिर बहुत मतलब कहते हैं बार बार कि बच्चों को लेके जाओ बेटा घुमा के ले आओ जा करके और हम रुक लेंगे यहाँ पे। दादी जी भी बहुत बार कहती हैं। तो फिर वो उनके पापा मम्मी जो होते हैं विकास और अमन के, तो ये चारों लोग और विकास के जो है चाचा भी एक होते हैं, तो पांच लोग एक ही गाड़ी से चलते हैं। डिसाइड होता है कि सभी लोग नैनीताल चलेंगे। अब नैनीताल जाने के लिए लोग निकल पड़ते हैं, दादाजी घर पे हैं, दादी भी घर पे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रखी थी इसलिए वो दोनों लोग वहीं रुक जाते हैं। तो अमन और विकास और उसके चाचा और मम्मी पापा, उनके पापा जो थे वो गाड़ी खुद ही चलाना पसंद करते थे, क्योंकि जब भी कभी बाहर जाते थे तो रास्ता लंबा होता था तो वो सोचते थे कि वो, क्योंकि एक अच्छे ड्राइवर भी थे मतलब गाड़ी चलाना जानते थे, तो उनके चाचा को नहीं देते थे गाड़ी। तो ये लोग पीछे की सीट पर बैठे होते, चाचा उनके आगे की सीट पर। तो मम्मी पापा अमन और विकास चले जा रहे हैं। रास्ते में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जो विकास होता है वो अपने चाचा से कहता, चाचा आप पीछे बैठो ना, मैं पापा के पास बैठूंगा। तो उसके पापा कहते, क्यों भाई मम्मी के पास बैठने मज़ा नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मैं आगे से पूरा सीन देखूंगा। तो कहते, नहीं नहीं पड़ी थोड़ी देर बैठो, उसके बाद में थोड़ा और मैं मज़े ले लूं, आगे से अच्छा लगता देखना। तो चाचा उसकी मना कर देते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, ठीक है अच्छा अभी आगे से थोड़ा और चलूं। फिर आते हैं, गाड़ी चलती जा रही है, नैनीताल के थोड़ी सी पहाड़ी रास्ता शुरू होती है जंगल, और शाम ढलने लगती है। जब शाम ढलने लगती है तो एक जगह से जो है बहुत ही मतलब वहाँ पे ना कोई गांव है ना कोई और कोई रास्ता, सिर्फ एक सड़क ही सड़क दिखाई पड़ती है, आसपास बहुत सारे घने पेड़। तो जो विकास होता है वो खिड़की से ऐसे झांक रहा होता है, तो उसको दूर से ऐसे थोड़ी सी गाड़ी धीमी होती है, तो कहते पापा जरा गाड़ी रोकना। तो क्यों? कि पापा वो देखो मुझे दादाजी दिखाई पड़ रहे हैं। कि दादाजी कहाँ दादाजी हैं? कहते देखो वो देखो। तो कि पापा बोले बाद में गुस्सा करके, क्या विकास बकवास कर रहे हो, दादाजी तो तुम्हारे घर पे हैं, उनकी तो तबीयत खराब हुई पड़ी। कि नहीं नहीं पापा देखो देखो। और फिर वो चुप करा देते हैं उसको, देखते हैं वहाँ कोई नहीं दिखता है। लेकिन वैसे ही उसके जो चाचा है वो देखते हैं, अरे भाई सच्ची में देखो पापा दिखाई पड़ रहे हैं। कि पापा दिखाई पड़े, यहाँ तो कोई है भी नहीं। वैसे ही जो है अब सभी झांकना शुरू कर देते हैं, लेकिन और किसी को नहीं दिखते। विकास के जो चाचा होते हैं वो देख रहे थे कि जो दादाजी हैं तो वो मुस्कुरा रहे हैं बहुत अनोखे अंदाज में। उनके पास एक छड़ी भी है बिल्कुल वैसी, लेकिन छड़ी तो है पर वो बार बार ये सोच रहे हैं कि पापा को तुम घर पे छोड़ के आए हैं, ये यहाँ कैसे दिखाई पड़ सकते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद वो उधर पीछे मुड़ के देखना बंद कर देते हैं। जब डांट पड़ती है सामने देखने लगते हैं। अभी लगभग आधा किलोमीटर चलते ही हैं जंगलों के बीच, वैसे उनकी गाड़ी खराब पड़ जाती है। अब गाड़ी खराब पड़ जाती, स्टार्ट पे स्टार्ट कर रहे नहीं हो रही है। देखते क्या है, एक व्यक्ति जो है थोड़ा सा अधेड़ टाइप का, वो गाड़ी से अपनी साइकिल से चला रहा है, मोटर बाइक से छोटी सी चला रहा है। तो वो वहीं पे रोक के पूछता है, क्या बात है भाई गाड़ी ख़राब हो गई है? तो विकास के पापा कहते हैं, हाँ दादाजी गाड़ी ख़राब हो गई है दादू। तो दादा जो होते हैं कहते हैं कि आगे तो जाने से तुम्हें खतरा है, यहाँ तुम जा नहीं सकते। तो वो पूछते हैं भाई, यहाँ पे कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था छड़ी लिए हुए? तो कहता, बूढ़ा व्यक्ति नहीं, यहाँ तो आसपास कोई रहता ही नहीं, यहाँ कैसे कोई हो सकता है? जरूर तुम लोगों ने छलावा देखा होगा, आप सभी सनसनाहट में आ गए। छलावा? कैसा छलावा? क्योंकि विकास के पापा ने तो सुन रखा था कि छलावा ऐसा होता है वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता, किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता। वो क्योंकि उनको समझ थी कि मैं अपने पिताजी को घर पे छोड़ के आया हूँ, उनको दिखने का सवाल ही नहीं उठता, और ना यहाँ दूर दूर तक तो कोई गाँव है ना कोई घर है, तो यहाँ तो कोई बंदा भी उपस्थित नहीं हो सकता, किसी भी कोई आने ही जाने वाला हो सकता, पर बूढ़ा व्यक्ति कैसे कोई दिख सकता है यहाँ पे? ऐसे सोचते हुए वो फिर उनसे बात करते हैं कि दादा ऐसा बताइए, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? मेरी कार बंद पड़ गई है, आगे मुझे जाना है। तो कहते हैं, गाड़ी तो ठीक मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मैकेनिक हूँ, मैं अपनी दुकान बंद करके आ रहा हूँ, कहो तो मैं ठीक कर दूँ। बाकी ये जगह तुम्हारे बेटा खतरे से खाली नहीं है, यहाँ ज़्यादा देर रुकोगे तो कोई ना कोई खतरा उठाओगे, और ये रोड पे बहुत सारे आपको छलावा मिलने वाले हैं।
अब जब उसके मुंह से ये बात सुन लेते हैं तो उनको भी डर लगने लगता है। तो जैसे तैसे वो गाड़ी का बोनट खोलते हैं, कहते हैं भाई इसको सही कर दो किसी तरह से दादा, और हम लोग यहाँ से निकले। तो भाई वो लोग वो जो है अपना डिब्बा वब्बा निकालता है, उसका बॉक्स जो होता है टूल बॉक्स, और निकाल करके गाड़ी सही करना शुरू करता है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी ठीक हो जाती है और ये बच्चे दोनों निकल के बाहर खड़े होते हैं। उनकी मम्मी भी जो बैठी होती है वो केवल विंडो से झांकती रहती हैं। वो फिर अचानक से एक बार कहता है पापा पापा देखो दादाजी वो देखो खड़े हैं। अब वो जो है वो भी देखते हैं कि हाँ सच में बूढ़ा आदमी खड़ा तो है और मुस्कुरा रहा, बहुत अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा, ऐसे बार बार उन्हीं की तरफ देख रहा, बार बार ना चाहते हुए भी सभी की नजरें उठ उधर जो है ऐसे उठ के जाती, सभी एकदम दहशत में आ जाती। लेकिन जो वो गाड़ी बना रहा होता मैकेनिक, वो कहता है आप लोग ना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से 10 किलोमीटर तक आपको जंगल पड़ने वाला है, आपको मैं एक ऐसी शॉर्टकट रास्ता बताऊंगा, आप उस रास्ते से निकल जाओ, यहाँ आपको आपकी जान का खतरा है, आप लोग बहुत ही गलत उस पे रूट पे आ गए हो। तो भाई वो बात मान लेते हैं उसकी, वो गाड़ी का बोनट बंद करता है, कहता है चलिए स्टार्ट करिए, चल गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो बताता है कि आप इस जंगल से होते हुए पगडंडी पे जाएंगे, मतलब थोड़ी सी पतली रास्ता है मगर गाड़ी आपकी चली जाएगी, और आगे से आप जैसे थोड़ा दूर चलेंगे 2 किलोमीटर आपको यहीं से आपको हाईवे के टच में आ जाएंगे और आप आगे उस पर जा सकेंगे मेन रोड पे। तो बोले तो अच्छी बात है। वो क्या करते हैं गाड़ी अपनी मोड़ लेते हैं, भाई चल देते हैं जिस रास्ते पे उस बूढ़े आदमी ने बताया था। चलते जाते जैसे वो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो देखते क्या उनकी गाड़ी जो है कीचड़ भरे रास्ते से होकर के सीधे खाई की तरफ जा रही है। अचानक से वो ब्रेक मारते, सामने बहुत बड़ा सा तालाब और खाई दोनों ही। देखते क्या है यहाँ कहाँ आके फंस गए। अब विकास के पापा सोचते हो ना हो वो बूढ़ा भी कोई छलावा ही था जिसने गाड़ी बनाई। अब वो बहुत तेज दहशत में है, हाथी उनके काम नहीं कर रहे, वो स्टेयरिंग बार बार यूं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से बहुत जोर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सभी लोग एकदम से गाड़ी को बहुत तेजी से यू टर्न लेते हैं और कीचड़ से निकालते हुए सीधे मुड़ करके मेन रास्ते में ले आते हैं, वही जंगल के पास लाते हैं थोड़ी दूरी पे, और सभी से कह देते हैं कि तुम लोग जो है कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, इस कार का दरवाजा अगर खोलोगे तो मुझे नहीं पता कुछ भी हो सकता, चाहे कोई भी दिखे। अब जैसे वो मेन रोड जहाँ पे वो थे यहाँ से गए थे वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते क्या है वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है एक डंडा लिए हुए ऐसे पैर करके बीचों बीच सड़क पे। अब वो देखते हैं बार बार उनको हार्ड मारते हैं कि वो हटे वहाँ से लेकिन वो नहीं हटती है। उसके बाद देखते हैं कोई और आगे एक ऐसे बैठा, बहुत सारे इनको कोई कुछ ना कुछ दिखते चले जाते हैं। बहुत परेशान करें तो क्या करें, लेकिन फिर भी एक बार बहुत कस के अपने अंदर से एकदम इतनी ताकत और साहस बटोर करके वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और एकदम से स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाते हैं। और जो जब वो निकलते हैं उस सड़क पर से तो जो बैठी हुई बूढ़ी औरत होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। आगे सामने से जो गाड़ी चली आ रही है बाइक, उस पे दो लोग बैठे होते हैं वो भी एकदम बीचों बीच में चल रहे थे, वो भी एकदम से गायब। वो सोच रहे हैं मेरे साथ आज ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक छलावा टाइप का मिलता चला जा रहा। सारी गाड़ी में जितने भी लोग चारों पांचों थे उन लोगों को इतना दहशत में भर जाते हैं कि समझ लो उनको कुछ समझ भी नहीं आता कि करें तो क्या करें, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उनके पापा इतनी तेजी से विकास के पापा स्टार्ट करते भागते चले जा रहे हैं, तब जा करके वो हाईवे पर पहुँचते हैं। तब तक रात ही रहती लेकिन वो पहुँच करके झट से एक पास का होटल मिलता है, वहीं जा करके रूम वूम लेते हैं और सब लोग अंदर वहाँ पे रुकते हैं जा करके और तौबा कर लेते हैं कि मुझे वापस इस रोड पे नहीं जाना है, क्योंकि उस रूट पे उनको मालूम था नहीं कि हमको यहाँ से कैसे निकलना है। वो दूसरी बार जब वहाँ से वापस लौटते हैं तो उस तरफ से जो जिधर सड़क से गए थे उस रूट पे ना जा करके दूसरे रूट से जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे उनको छलावा से सामना हो सकता है। तो अब जब वो वापस जाते हैं तो देखते क्या घर पे उनके दादाजी तो हैं। विकास बहुत खुश होता है कि दादाजी तो यहाँ है, मैंने तो वहाँ देखा था। फिर दादाजी से जब पूछते हैं तो दादाजी कहते हैं हाँ बेटा मुझे पता था और मैं बताना भूल गया था कि उस रूट पे मत जाना, वहाँ पे बहुत से छलावे मिलेंगे और जिससे तुम्हें दिक्कत हो सकती है। अब लेकिन जब उन्होंने नहीं बताया था, खैर बात आई गई होती हो गई है और वो लोग आराम से घर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते कल एक नई कहानी के साथ।